फर्जी दरोगा बनकर की लाखों की ठगी, साथ ही शादी का झांसा देकर युवती की लूटता रहा आबरू। पुलिस ने किया पूरे गैंग को गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में एक युवक फर्जी दरोगा बनकर फिल्मी अंदाज में अपने दो अन्य साथियों की मदद से नौजवान लोगों को पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देकर करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित सभी को पुलिस ने फर्जी वर्दी, फर्जी वॉकी टॉकी, फर्जी दस्तावेज और मोहर आदि बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी दरोगा ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया है। ठगी का है, एक व्यक्ति जो संभल कर रहने वाला है थाना साहबाद क्षेत्र में, उसने लोगों को अपना व्यवसाय बताया कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और इस बिना पर एक व्यक्ति साहबाद क्षेत्र का उसे प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उसने अपने को अविवाहित बताया और उस व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता भी उससे पक्का कर दिया। रिश्ता हो जाने के बाद उसने कई किस्तों में उससे पैसे ठगे, कभी घरेलू आवश्यकताओं के नाम पर, कभी ये बताते हुए कि मेरा विभाग में कुछ प्रमोशन होने वाला है, वहाँ कुछ पैसे खर्च होंगे। उस सीधे साधे ग्रामीण ने इस तरह से उसे पैसे दिए, कई लाख रुपए दिए। अब आसपास के लोगों का भी विश्वास जम गया। इसने अपने को मुरादाबाद जनपद के एक थाने में पोस्टेड बता करके 4-5 महीने उसके घर से जाके नौकरी किया। उसके पास वर्दी भी थी, एक फर्जी वाकी टाकी भी उसके पास था। ग्रामीणों को विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति पुलिस में है और नौकरी लगवाने में सक्षम है, तो इसने इस आधार पर भी लोगों से पैसे लिए। इसके रैकेट में 2-3 लोग और शामिल हुए और इस तरह से पता चला इलाके से इसने 300 लाख रुपये ठगे लोगों को भर्ती कराने के नाम पर। 3-4 बच्चों का इसने मेडिकल भी कराया और उनको एक इंस्ट्रक्टर, फर्जी इंस्ट्रक्टर लगा करके 24 बटालियन के परेड ग्राउंड जब खाली रहता था, जिस समय लोग जाके वहाँ दौड़ धूप का अपना अभ्यास करते हैं, उस दौरान उसने उनको वहाँ दौड़ा करके ये भी बताया कि आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो इस तरह से लोगों को, जो सीधे साधे लोग हैं, उनको गुमराह करके इसने पैसे ठगे। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था उसके घर जब ये 4-5 महीने रहा, इस दौरान उन्होंने उस लड़की से नाजायज ताल्लुकात भी बनाए। तो इस आधार पर इस पूरे गैंग के खिलाफ 3 मुकदमे लिखे गए हैं। एक मुकदमा तो जो लीडर इसका है दिनेश, जो फर्जी उप निरीक्षक बना था, उसके खिलाफ है, जो उसने शादी का झांसा देकर पैसे भी लिए और लड़की जिसके साथ शादी तय थी उसके साथ दुष्कर्म भी किया। शेष 2 मुकदमे पूरे गैंग के सभी सदस्यों के खिलाफ हैं, जो एक रैकेट बना करके इन्होंने सबसे पैसे ठगे।